सो हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज मैं जगह से पर जा रहा हूँ, मेरा सेकेंड डे टू है आज। तो आज हम यहाँ पे जगतसिंहपुर साइड में गाय ढूंढेंगे, इसलिए मैं हेलमेट पहन के आया हूँ क्योंकि दूर है, तो मेरे घर से दूर है। और मैं जहाँ पे बचपन में स्कूलिंग वगैरह था और मैं जहाँ पे रहता था वहाँ पे भी एक बार घूम के आ जाऊँगा। तो देखते हैं, मेरे को लगता है कि इस साइड में गाय बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं, मगर हमारा ढूंढने का तरीका कैसा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, हम कैसे ढूंढने पाएंगे। और एक लोगों का मेरे पास कांटेक्ट नंबर है, तो उनके पास पहले जाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और भी जगह जाने के लिए कोशिश करेंगे। देखते हैं कितना गाय हम आज ढूंढ पाते हैं, और नहीं मिला तो फाइनली हम लोग जो मेरा स्कूलिंग है वहाँ पे भी घूम के आ जाएंगे। तो चलिए फिर मेरे साथ एंजॉय कीजिए और मेरे साथ बने रहिए, ये वीडियो को शेयर कर दीजिए और जो नए है ये वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि आगे जाके हम हर जगह घूमेंगे, कैसे हम गाय ढूंढते हैं उसके बारे में आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ ये वीडियो पे। चलिए फिर बने रहिए। पे देख रहे हैं ये जर्सी ब्रीड है, तो इनका कहने के हिसाब से ये 14 लीटर दूध देता है। तो इनको देख के तो उतना नहीं लग रहा है, मगर ख़रीदने के टाइम में देखना पड़ेगा। तो ये बहुत सारा जर्सी ब्रीड पे काम किए हैं, तो मेरे को तो एक्चुअली जर्सी पसंद नहीं है, फिर भी हम देखेंगे। मगर गाय देख के इतना भी पसंद मेरे को नहीं आ रहा है, तो चलिए फिर आगे भी जाके देखेंगे। मगर ये वाला देख रहे हैं, उनका जो देख पा रहे हैं ये की सिलेक्ट किया हूँ, तो ये जो है कि सेकेंड इलेक्ट्रिशियन का है। तो उनका कहने के हिसाब से गाय को पूरा अच्छे से देख के लेके जाओ, ताकि दूध को माप के लो, उसी के हिसाब से रेट होगा। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे तो 3000 चलता है, मगर जर्सी का रेट थोड़ा कम रहेगा, देखते हैं। तो मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रहा था, मेरा स्कूलिंग यहाँ पे हुआ। तो ये मंदिर में बचपन में आते थे, यहाँ पे कोई भी घर नहीं है अभी, हम पहले बचपन में यहीं पे रहते थे, मगर अभी घर ही नहीं है। नारियल का पेड़ मगर बचा है इधर, ये टूटा हुआ पहले से था, अभी भी वैसा है। तो अभी बहुत भूख लग रहा था, तो एक रेस्टोरेंट पे आ गए, तो यहाँ पे खाना खा के फिर से ढूंढने जाएंगे, बहुत मुश्किल हो रहा है ढूंढने के लिए। तो एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, देख पा रहे, बैक कैमरा में दिखा देता हूँ। तो बहुत टाइम के बाद शाम हो गया, तो यहाँ पे एक HF गाय मिला। तो ये लगभग 2-4 गाय रखे हैं और एक सिंदरी भी रखे हैं, तो ये बेचने वाले हैं कि ये जो फर्स्ट वाला है तो इसको ये बेचने वाले हैं, और थर्ड वाला भी। तो थर्ड वाला जो है वो अभी जस्ट मतलब प्रेग्नेंट नहीं है, और फर्स्ट लैक्टेशन में ही जाएगा, अभी AI करने वाले हैं। और जो मैं ख़रीदने के लिए आया था जो फर्स्ट वाला है, तो ये वाला, तो देख पा रहे हैं इनका थन जो है कि बहुत कम है, और इनका कहने के हिसाब से ये 45 डेज में बच्चा आ जाएगा, मगर ऐसे नहीं लग रहा है। इनका प्राइस जो है रेंज 55,000 है ये, और 20 लीटर दूध देता है। तो आप भी मेरे को कमेंट करके बताइए कि ये सही है कि गलत। सेकेंड थर पकड़ी ज़्यादा सिंगू मरना जाए, सिंगू देखो तो प्रथम पकड़ थर, सेकेंड थर पकड़ आ गोटे हरा है जे हरा टाइम भी किछ नहीं, किंतु ये देखा हो जे बड़ा, किंतु थर पकड़ से 3-4 थर पकड़ से पड़ गई।
ये थर पकई सारी आर कौन सिंह खरा है चार दिन से जान नहीं सी पकई नहीं हो रही है এটা তো আহরি বর্ষে টাইম লাগিব দশ মাস পাড়ে পড়ব কিন্তু সে তো লগভগ 60 কিলোমিটার জানে কে বাদ মেরে কো ইয়ে গির গোশালা মিলা जो कि आप देख पा रहे होंगे कि कितना अच्छे से रखे हैं और जितना भी प्योर ब्रीड है गुजरात साइड से ये लोग मंगाए हैं पूरा मतलब इस गिर ब्रीड को आप देखेंगे तो आपका मन भर जाएगा क्योंकि मैं हमेशा वीडियो पे देख रहा था कि गिर गो बहुत सारे जगह पे गुजरात साइड में मगर अभी जो है कि मेरा घर के पास 60 किलोमीटर दूर में भी एक गिर का गौशाला है और ये मैं यहाँ पे आया था कि गाय ख़रीदने के लिए मगर इनका ओनर अभी नहीं है तो यहाँ पे जो काम करते हैं उनका कहने के हिसाब से ये गिर गाय अभी सेल नहीं करेंगे क्योंकि ये फार्म को और भी बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं मगर अभी तो फिर सेल नहीं करेंगे। फिर भी मैं कोशिश करूँगा उनका मालिक को पटाने के लिए कि यदि दे देंगे मेरे को सिर्फ एक ही चाहिए तो मगर मेरे को पता नहीं वो देंगे कि नहीं मगर अभी देख पा रहे हैं यहाँ पे एक रेड एयर वाइट स्पॉट वाला है तो ये उनका मेन गाय है तो इसको शायद वो लक्ष्मी या कुछ बोल रहे हैं। ये फार्म पे वही ज़्यादा जल रहा है जैसे पूरा चमक रहा है उसी का स्ट्रक्चर और फार्म पे आप किसी को भी चूज देखेंगे तो आपको खुशी लगेगा कि हाँ ऐसा गाय है देख रहे हैं। बच्चा भी है यहाँ पे और 2 साल के बछड़ी भी है और देखिए शेड वगैरह ऐसे करके रखे हैं। और चलिए फिर चलते हैं बात करके आएंगे यदि मिलेगा तो खुशी लगे सही है नहीं तो फार्म देख लो कितने लागू थे सेंधी छण दौ थे बुझला सब कौन कौन होता है आज घूम घूम के तो कोई भी गाय सिलेक्ट नहीं हो पाया मगर एक जगह पे मेरे को सिलेक्शन तो हो गया मगर वो बेच नहीं रहे। मैं उनको बहुत रिक्वेस्ट किया कि एक दो कम से कम एक ठो बेच लो कि ताकि मैं भी ब्रीडिंग पे स्टार्ट करूं मगर वो बेचे नहीं। मगर आप देख पाएंगे कि वो कितना मतलब जो गिर का नस्ल है वो पूरा प्योर नस्ल ला के रखे हैं। वो कैसे है कि ये लोग क्या कहते हैं हमारा उड़ीसा से गुजरात से तरफ जाते हैं वहाँ से 10-20 करके ऐसे ट्रांसपोर्ट करते हैं तो अभी फ़िलहाल मेरा इतना बजट नहीं है कि मैं 10-20 करके ट्रांसपोर्ट करूँ तो मेरे को सिर्फ एक चाहिए था तो नहीं मिला। तो देखेंगे कि यदि इस बार नहीं मिला तो नेक्स्ट ईयर में मैं कोशिश करूँगा मैं भी ऐसे 10-20 करके ट्रांसपोर्ट करके लेके आऊँगा। ये सब होगा सक्सेस आपके बदौलत क्योंकि आप जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे तब जाके ये सारा चीज़ सक्सेस हो पाएगा। तो चलिए फिर फिर से हम एक दूसरे जगह जाने वाले हैं वहाँ पे भी मेरे को गिर और वहाँ पे क्या है कि बहुत सारा ब्रीडिंग पे वो काम किए हैं गिर साहिवाल और थारपारकर और ये सारे HF सारे चीज़ है और उनसे भी बात करेंगे कि वो लोग देंगे कि नहीं आजकल मगर उड़ीसा में देना मुश्किल है कोई भी रखता है तो देता नहीं है फिर भी हम कोशिश करेंगे। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि आगे का वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ और इस वीडियो में तो आप ऑलरेडी देखे हैं कैसा है। तो फिर चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर बाय।